तब वंदन शुभ संस्कृति उद्गाता अंग महाजन पद तब वंदन शुभ संस्कृति उद्गाता बागेश्वरी वंदना मंदिर गोर तिमिर दुख ताता अंग महाजन पद तब वंदन विद्यालय शहीद बाबा तिलका मांझी के नाम से है और हम उन्हें नमन करते हैं, स्मरण करते हैं कि 1857 की जो पहली विद्रोह हुई थी उस विद्रोह का जो है नायक अंग जनपद के इस महासपूत को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। यह आज 11 फरवरी जो उनका जन्म दिवस है, आज हर्षोल्लास के साथ उनको नमन करते हुए आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, आज पुनः उसी दिवस पर हम बाबा शहीद तिलका मांझी को नमन करने के लिए पूरे विश्वविद्यालय के कर्मी अधिकारी आज उपस्थित हुए हैं। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग का विश्वविद्यालय तिलका मांझी जी के नाम पे है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। तिलका मांझी जी का आज जन्म दिवस है, 11 फरवरी 1750 में इनका जन्म हुआ था और तिलका मांझी या भागलपुर विश्वविद्यालय सौभाग्यशाली है कि इनके नाम पे है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसा कि 1857 की स्वतंत्रता की बात होती है लेकिन उसके 80 साल पहले ही ये गुमनामी में छिपे हुए थे और इतिहास में ने उनको ढूंढ कर निकाला और हम लोग चूँकि इस नाम से मेरा विश्वविद्यालय है और सारे कर्मचारी पदाधिकारी हर्षोल्लास से इस जयंती को आज हम लोग मनाएंगे और इसके कार्यों की सराहना करेंगे, कार्यों के अनुरूप हम लोग चलने का। प्रतिभा काफी छोटी लगती है सर, उसके लिए हम पीछे भी पहले भी इसकी चर्चा हुई थी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसकी प्रतिमा थोड़ा बेहतर हो, अच्छा हो। जिस हिसाब से इनकी ऊंचाई है, कद है, उस हिसाब से इसकी प्रतिमा नहीं, इस चीज़ को मैं भी मानता हूं और हमारे कुलपति उनके सामने संज्ञान दिया हुआ है और ये बात होगी तो इनके प्रतिमा को हम और बेहतर और ऊंचा बनाने का जो जिस हिसाब से इनकी कद होनी चाहिए वो लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, हम सभी जानते हैं कि 11 फरवरी 1750 को उनका जन्म हुआ था और 1780 से 1785 के बीच में उन्होंने यहाँ के शोषण के खिलाफ में अंग्रेजों के ठेकेदारी प्रथा जो कृषि के क्षेत्र में लागू किया गया जिसमें टैक्स को बढ़ा करके 5 गुना कर दिया गया। अभी तक जो आदिवासी लोग थे वो जंगल जमीन और जल का इस्तेमाल स्वतंत्रतापूर्वक करते थे लेकिन अब उसके लिए उनसे टैक्स वसूला जाने लगा और टैक्स वसूलने के लिए ठेकेदारों के माध्यम से उन पर दमन और शोषण जारी हो गया। उनके जो पशु थे उसको उठाकर हटा करके ले जाए जाने लगे, गिरफ्तार किया जाने लगा। इसके विरोध में पहाड़िया विद्रोह चल रहा था लेकिन अब तक शांत हो गया। इसलिए 1780 में जब क्लीवलैंड यहाँ 1779 में प्रथम कलेक्टर बनकर के आए उन्होंने जोड़ तोड़ की नीति अपनाई, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, महाजनी शोषण के खिलाफ में ये फूट डालो राज करो नीति के खिलाफ में और अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ में ठेकेदारी प्रथा के विरोध में उन्होंने अपना ये सालगिरह यानी साल के वृक्ष का छाल दे करके सभी संथाल और पहाड़िया गांव में भेजा गया ताकि विद्रोह के लोग सजाया गया और 1780 से लेकर के 1785 तक लगातार संघर्ष हुआ। आप सभी जानते हैं कि प्रथम कलेक्टर क्लीवलैंड की मृत्यु तीतापानी के जंगल में हुए युद्ध में घायल होने के कारण से हुआ। 1 महीने के बाद 13 जनवरी 1784 को और एक साल 1784 के बाद सी कैपमैन यहाँ के कलेक्टर बनकर के आए
और उन्होंने भारी उत्पात मचाया, बल्कि तिलका मांझी के गांव को तहस नहस कर दिया। आज उसका कहीं ठिकाना नहीं है, राजमहल के क्षेत्र में वो गांव था जिसका ठिकाना नहीं है, लेकिन उनके जो शहादत की निशानियां हैं हमारे पास, लड़ाई की निशानियां हैं, वो मौजूद हैं। जो तिलकपुर गांव है, जिस जंगल से उनको गिरफ्तार किया गया और घोड़े से टांग से उनको, चूँकि कंधे में गोली लगी थी इसलिए उनको घोड़े के टांग से रस्सी से बांध करके घसीट करके भागलपुर लाया गया और तिलका मांझी चौक पर बरगद के पेड़ से लटका दिया गया और उन्हें सजा दे दी गई। तो आज हम तिलका मांझी जी को याद करते हैं इसलिए उन्होंने मजदूर किसानों के अधिकारों के लिए, उन्होंने यहाँ पर चल रहे शोषण के खिलाफ में, अंग्रेजी शासन के खिलाफ में विशाल विद्रोह फूका था, जो राजमहल से लेकर भागलपुर तक, पूर्णिया से लेकर के खड़गपुर और मुंगेर तक उनका संघर्ष चलता रहा था। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर आज भी आदिवासियों की बस्तियाँ देखी जा सकती है, कटिहार हो, पूर्णिया हो, खड़गपुर हो, मुंगेर हो, झाझा हो, सभी क्षेत्रों में आप देखते हैं। और ये जो है उनकी निशानियां हैं जो आज हम उन्हें याद करते हैं।